हाय फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर ज़्यादातर डेजर्ट और विलेज वुमेन की मॉर्निंग रूटीन शेयर की है, लेकिन आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये वाली वीडियो इन ख़वातीन की शाम की रूटीन दिखाई गई है। तो मैं चलता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि इन ख़वातीन की शाम में क्या रूटीन होती है, खाना में क्या बनाते हैं, वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। और इनकी ज़बानी पूछते हैं कि शाम के खाने में ये क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आप मेरे व्यूअर्स को बताएंगे कि आप शाम के रूटीन में क्या खाना बना रहे हैं? चिकन आलू बना रहे हैं और चावल बना रहे हैं। कौन सा चावल? जर्दा। वाओ, हमें भी खिलाएंगे, आपके मेहमान बन के हैं आज हम। जी, आपको खिलाएंगे। चलें जी, शुक्रिया। आप आपस में क्या लगती हैं? बहने लगती हैं। अच्छा, सही है। आप पढ़ती भी हैं या नहीं? पढ़ती हूँ। किस क्लास में? 5। ज़बरदस्त, फिर तो अच्छी मेहनत है। मुझे खुशी हो रही है कि गांव में रहते हुए भी ये फीमेल को मौका दिया जाता है कि वो पढ़ती हैं, तो ये अच्छी बात है। वैसे आपको पढ़ना भी चाहिए, आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी। नाम क्या है आपका? अलीशा। अलीशा, अलीशा नाम प्यारा है। अलीशा, आपको स्पेलिंग आते हैं आपने? जी। हाँ बताएं। ए। हाँ। एल। हाँ जी। आई। हाँ जी। एस। जी। एच ए। ज़बरदस्त अलीशा, आप तो टैलेंटेड हो। अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछूँ आपसे, जवाब दे लोगी? अच्छा, बात सुने अलीशा, मैं कहता हूँ कि मेरा नाम वसीम है, इसकी इंग्लिश बना के दिखाएं। हाँ हाँ, शर्म आती है। लो जी, मेरे व्यूअर कहेंगे कि अलीशा 5 क्लास में पढ़ती है, अलीशा को पता भी नहीं है। हाँ, ये तो फिर इंसल्ट हो जाएगी ना। अलीशा बता दो, उनको पता चले कि गांव में रहती हुई एक नन्ही मुन्नी बच्ची जो है वो कितनी टैलेंटेड है। अच्छा, इस तरह चलो छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि इसकी आपने इंग्लिश बनानी है, मेरा नाम अलीशा है, इसकी क्या इंग्लिश होगी? ओहो, आप ही बताए। आप ही की क्या तालीम है? आपकी क्या तालीम है अलीशा? आपके स्कूल का क्या नाम है? वेलकम पब्लिक हाई स्कूल। अच्छा, ये आपका स्कूल जो है किस शहर में है? शहर का नाम भी बता दें व्यूअर को। अहमदपुर शर्किया शहर है। हाँ, जिला कौन सा लगता है? डिस्ट्रिक्ट भावलपुर। डिस्ट्रिक्ट भावलपुर है। सूबा कौन सा है आपका? सूबा पंजाब है अलीशा, हमारा सूबा पंजाब है। और किस मुल्क में रह रहे हैं? मुल्क कौन सा है अपना? पाकिस्तान। ज़बरदस्त, देखें हरी भरी फसलें अभी आप सामने देख रहे हैं। ये सफ़ेद कलर के जो फूल लगे हुए हैं ये मोगरा के पौधे हैं, यहाँ की लोकल सब्ज़ी है। और ये लोग जो हैं इनके करीब तरीन कोई मार्केट तो नहीं होती, इसीलिए ये लोग अपनी फसल में सब्ज़ियाँ काश कर लेते हैं और जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से ये सब्ज़ी तोड़ के पका लेते हैं। अभी देखें ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये पौधे जो हैं मोगरे के, ये देखें ये चुन रहे हैं, अभी इन्होंने शाम को सब्जी पकानी है। बेटा ये क्या तोड़ रहे हो? मुंगरे। क्या करे सो इना मुंगरिया का? अच्छा, यानी कि ये पका के खाएंगे आप? जी। तो फ्रेंड्स ये देखें, बच्चों ने काफ़ी देर मेहनत के बाद फाइनली ये मुंगरे जो है ना ये चुन लिए हैं। अभी बाल्टी फुल हो गई है तो अभी ये घर लेके जाएंगे और इनको काट के फिर इनकी सब्जी बना के प्रॉपर जो रेसिपी होगी वो बनाएंगे। अभी चूँकि इन्होंने शाम के खाने में चिकन बनाना है, आलू बनाने हैं, तो इसके लिए मसाला भी तैयार करना है। मसाला जो है ये धो रहे हैं और खाना पकाने और पीने के लिए हैंडपम्प का पानी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये गांव की देसी फ्रिज होती है, ज़रूरियात की चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर स्टोर करके रख दी जाती हैं। फिलहाल तो इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ बल्कि गोश्त पड़ा हुआ है, ये देखें। क्योंकि इनके पास बिजली की सहूलत नहीं है और ना ही फ्रिज होती है, तो इसीलिए जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो इस टोकरे के अंदर स्टोर करके रखी जाती हैं। यहाँ की लोकल ज़बान में इसको टोकरा बोलते हैं और ये सहराई लकड़ियों की मदद से बनाया जाता है। घर का हैंडपम्प जो है वो ख़राब है, इसकी वजह से इनको काफ़ी दुश्वारी का सामना पेश करना पड़ रहा है, क्योंकि पीने के लिए खाना पकाने और दीगर ज़रूरत का पानी इन्हीं हैंडपम्प से ही इस्तेमाल किया जाता है।
फ्रेंड्स, यहाँ गांव में बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है जहाँ आज मैं पहुँचा हूँ और यहाँ पे रहने वाली वुमेन की रूटीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें, कच्चे घर बने हुए हैं, टोटल कच्ची मिट्टी से काम किया गया है। इनके जो कमरे हैं वो भी कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं और खुले सहन हैं, ना कोई गेट दरवाजे, गाँव का माहौल है। और आप बैकग्राउंड पर भी देख सकते हैं, सारा डेजर्ट है। यहाँ पर इनके पास बिजली की सहूलत भी नहीं है। इनके पास कुछ घर हैं जहाँ पे बिजली है, जैसा कि आपको वो टावर नज़र आ रही हैं, लेकिन इनके घर में बिजली नहीं है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। और पानी पीने के लिए और ज़रूरत के लिए ये इन्होंने हैंड पंप लगाया हुआ है। इस हैंड पंप का ये पानी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सादा सी इनकी ज़िंदगी है। इन्होंने जानवर वगैरह भी रखे हुए हैं, जानवरों को चारा वगैरह डालते हैं, इंतज़ाम करते हैं और जानवरों का दूध फरोख करके अपने घर का रोज़गार चलाते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे जानवर जो हैं ये खड़े हुए हैं, ये लोग इन्हीं जानवरों से अपना रोज़गार चलाते हैं। इन्होंने फसलें भी काश्त की हुई हैं। यहाँ पे नहरी पानी तो इनके लिए दस्तियाब नहीं है, तो ये सामने आप देख सकते हैं मेरी उंगली की सीध में ये इन्होंने ट्यूबवेल लगवाया हुआ है और इसी ट्यूबवेल का पानी जो है इस्तेमाल करके अपनी फसलों को सैराब करते हैं। इनको खाना पकाने पीने तमाम तर ज़रूरियात के लिए पानी इसी हैंड पंप से लाना पड़ता है, लेकिन हैंड पंप की हालत आप देख सकते हैं, हैंड पंप इनका ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा ये परेशान है इस हैंड पंप की वजह से, क्योंकि काफ़ी देर मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद जाके पानी आता है। देखिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है, हर एक काम में मशक्क़त होती है। घास काटते हैं, कुतरते हैं, वो भी लोकल मशीन से। कपड़े प्रेस करने होते हैं, वो भी सादा सी मशीन है। पानी अगर पीने के लिए इस्तेमाल करना है, वो भी सादा से हैंड पंप से। लेकिन इन लोगों की हिम्मत है, एक तो इन लोगों की रूटीन बन चुकी है और एक मजबूरी की वजह से ये सब इनको करना पड़ता है। गांव की रौनक ही अपनी है। ये देखें, अभी ये अंकल हैं, ये बच्चों के लिए चीज़ लेके हैं साइकिल पे। ये बेचारे अभी अपना मजदूरी करते हैं। ये देखें, अभी बच्चे जो है ये चीज़ ले रहे हैं इनसे। कितना कमा लेते हैं आप एक दिन का? 500-600-700। अच्छा, तो इतनी महंगाई है, 600-700 से फिर गुजारा चल जाता है, घर चला लेते हो? बस शुक्र फिर रब दा, फिर हुण की करिए। अच्छा, आप लोग थकते नहीं हो? सारा दिन साइकिल पे जाते हो। थकते तो फिर है गया। अच्छा, फिर हुण की करिए, मजदूरी करनी है, मेहनत भी तो करनी है, बच्चों का पेट भी तो पालना है। हां, हुण फिर की करिए। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे अपने 3। अच्छा, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं आप? बच्चे स्कूल जाते हैं? हां जी। चलो, ये तो अच्छा कर रहे हैं आप। चलो, बच्चों को तालीम तो दें। बच्चा नो स्कूल है 37। अच्छा, 37 स्कूल। फ्रेंड्स, मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 2:30 का टाइम हो गया है और आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी शाम का खाना कैसे बन रहा है। गांव वाले जो होते हैं, इनकी आदत होती है कि ये टाइमली सो जाते हैं। जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो तकरीबन 6-6:30 तक ये लोग सो जाते हैं, इसलिए खाना जो होता है टाइम से बना लेते हैं, क्योंकि बाकी इन्होंने जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त भी करना होता है, घर के बाकी काम काज करने होते हैं। अभी ये देखें, बड़े से देखचे में इन्होंने गोश्त डाल दिया है, गोश्त बनाया जा रहा है और उसके साथ बाकी जो मतंजन चावल का प्रोसेस है वो भी बाकी है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं।
जी तो फ्रेंड्स, फाइनली गोश्त और आलू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और अभी बाजी जो हैं ये चावल बना रहे हैं और चावल हैं वो जर्दे वाले हैं, जिसको यहाँ लोकल ज़बान में मतंजन भी बोला जाता है। मतंजन बनाने का क्या प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। पानी बॉयल किया और बॉयल किए हुए पानी में चावल डाले जा रहे हैं, मज़ीद क्या प्रोसेस है वो भी शेयर करते हैं। जो चावल बॉयल किए गए थे अभी ये देखें, इनको ठंडे पानी के साथ मिक्स किया और अभी इनको छलनी किया जा रहा है। सफ़ेद कपड़ा है बारीक, कपड़े में डाल के पानी जो है वो निचोड़ दिया जाएगा। चावलों का पानी निचोड़ने के बाद इनको चारपाई पे फैला दिया गया। ये देखें अभी जो है खुश्क हो जाएंगे, उसके बाद फिर देगची में चीनी वगैरह डाली जाएगी, उसकी चास बनाई जाएगी, उसमें ये चावलों को मिक्स किया जाएगा। चावल जो बनाए जा रहे हैं उनके लिए किशमिश गरी की भी ज़रूरत पड़ती है। ये देखें अभी गरी को ग्राइंड किया जा रहा है, चीनी की मदद से बनाई गई चास फाइनली तैयार हो चुकी है। अभी इसमें डालेंगे चावल। जर्दे वाले चावल में ये कलर लाजमी मिक्स किया जाता है। ये देखें जी, इस घर में छोटा सा प्यारा बेबी है, आप देख सकते हैं। बेबी कह रहा था कि मेरी भी वीडियो बनाए। हाँ, क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, क्या खा रहे हो? मुझे तो दो, मुझे तो दे दो यार, मुझे नहीं देना। ओए, अकेले खाओ? अच्छा, उधर से जाके ले आऊं? मुझे नहीं देना ना उन्होंने, आप दे दो, आप दे दो अपना हिस्सा यार, दे दो, नहीं देना। अगर आपने जर्दे वाले चावल बनाने हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास जर्दे वाला कलर भी मौजूद हो। ये देखें जी, एक ग्रीन कलर है और दूसरे की लुक जो है ये मैरून लुक दे रहा है। तो अभी चावल जो हैं उनमें ये कलर डाला जाएगा, देखते हैं इसकी किस तरह की शेप बनती है। फ्रेंड्स, इस घर के फैमिली मेंबर्स जो हैं वो काफ़ी हैं, तो उनकी परमिशन के बगैर हम सबको शो तो नहीं करवा सकते। इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ दो को ही शो करवाया, जो फीमेल कुकिंग कर रही हैं, खाना बना रही हैं, और सब फैमिली वालों के लिए भी रोटियां बनाई जाएंगी। ठीक
पड़े तले रे हाल जैसा कि फ्रेंड्स गांव में ना तो गैस की सहूलत है और ना ही बिजली की, इसीलिए ये लोग सहरा से लकड़ियां काट के ले आती हैं और इनको बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। अभी देखें आग जलाने के लिए इन्होंने ये लकड़ी काटनी है, इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं और इसको बतौर ईंधन इस्तेमाल करेंगे। घर में इन लोगों ने जानवर भी रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ के लोगों का ज़्यादातर दारोमदार जो होता है वो मवेशियों पर होता है। जानवर चराती हैं, उनका दूध बेचती हैं, दूध सेल करके अपने घर का रोज़गार चलाते हैं। घर में इन्होंने गाय के जानवर भी पाले हुए हैं और ये बकरियाँ भी रखी हुई हैं। फ्रेंड्स गाँव के हर घर में कुत्ता सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है। आप देख सकते हैं वो सामने कुत्ता जो है वो सोया पड़ा है अभी, तो क्योंकि ये गाँव का इलाका होता है, दूर दूर तक घर बने होते हैं। कवे जो है ना इधर, इनको भी पता चल गया था कि यहाँ भी आज कुछ स्पेशल हुआ है, कुछ खाना वगैरह का इंतज़ाम हो गया है, तो इसलिए देखें ये छत पे आके कवे काफ़ी तादाद में बैठे हुए हैं। मैं अंदर चलता हूँ और आपको अंदर का व्यू भी दिखाता हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं इनके घर की क्या सजावट होती है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं घर का एंट्रेंस, और यहाँ पर इन्होंने घर का जो अंदर है वो पक्का बनाया हुआ है इन्होंने, और फूल वगैरह की डिज़ाइनिंग भी की हुई है, सामान ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और आप सामने देख सकते हैं ये वाइट कलर की चादर और उस पर फूल बने हुए हैं। ये गांव की जो वुमेन होती हैं वो बड़ी मेहनती होती हैं, ये सारा काम जो होता है गांव की खवातीन घर पे ही करती हैं। जब दिन के टाइम फ्री होती हैं ना तो ये सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। अभी आप देखें यहाँ पर ट्रंक वगैरह पड़े हुए हैं, पेटी है, ये छोटा ड्रम पड़ा हुआ है, हर चीज़ के ऊपर जो इन्होंने कपड़ा है वो जिस पर डिज़ाइनिंग की हुई है ये यहाँ की औरतों ने खुद अपने हाथों से बनाया है, और ज़रूरियात की चीज़ें और सामान रखा हुआ है। गांव में घर जो है ना वो दूर दूर बने होते हैं, देखें जैसे वो सामने घर हैं ये इस तरह से बने हुए हैं सारे, और गांव का नज़ारा जो है ना इसकी अपनी मौज होती है। अभी शाम का टाइम है, बारिश वाला मौसम बना हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने गंदम काश्त की हुई है क्योंकि अभी जो सीज़न है ये गंदम की फसल का है, और यहाँ पर इन जानवरों के लिए इन्होंने ये चारा काश्त किया हुआ है सारा। यहाँ पर जो बच्चा है एक बैठा हुआ है ये घास काट रहा है, अभी इन्होंने घास काटना है, यहाँ से काट के लेके जाएंगे लोकल मशीन पे कुतरना है, उसके बाद फिर जानवरों को डालेंगे। कितनी देर होगी आपको घास काटते हुए? अब थोड़ी देर हुई है। अच्छा कितनी गठड़ियाँ रोजाना आप काटते हो? पांच। पांच गठड़ियाँ एक दिन में? अच्छा कितने जानवर हैं आपके? सात आठ हैं। सात आठ हैं, उनका दूध कितना निकल आता है? निकल आता है 4-5 किलो। अच्छा फिर घर इस्तेमाल करते हैं या बेच भी देते हैं कुछ? घर, बस घर। सिर्फ घर ही इस्तेमाल करते हैं, सही है। पढ़ते हो आप? यस। किस क्लास में? सिक्स। सिक्स क्लास में, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहसन। मोहम्मद अहसन, अपने नाम की स्पेलिंग तो सुनाओ। AHSAN। वेरी गुड, आप मेहनती हो। अच्छा पढ़ते भी हो उसके साथ साथ फिर घर के काम भी करते हो? यस। अच्छा चलो अच्छी बात है ना, वेरी गुड, पढ़ना भी चाहिए घर के काम भी करने चाहिए। कितने भाई हो आप? हम तीन भाई। तीन भाई हैं, दूसरे भाई पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? वो भी पढ़ते हैं। चले वेरी गुड, अच्छी बात है, फिर तो खुद भी पढ़ो उनको भी पढ़ाओ। हाँ हाँ, जब आप पढ़ लिख जाओगे फिर आपकी कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपको। जैसे शाम का टाइम हो गया है
और अभी इन लोगों ने अपने जानवरों के चारे का बंदोबस्त किया है और ये घास कुतरने वाली मशीन है, इस पर घास को कुतर रहे हैं क्योंकि इनके पास बिजली की सहूलत नहीं है, तो इसीलिए ये देखें मशीन को हाथ की मदद से चलाना पड़ता है। ये ज़रा मेहनत तलब काम होता है, थकावट भी होती है, लेकिन इस तरह इनकी वर्जिश भी हो जाती है और इनकी रूटीन बनी होती है, इनको ज़्यादा महसूस नहीं होता। और देखें इतना सारा इन्होंने चारा जो है ना ये काट लिया है और अभी ये बाकी चारा जो है ना अभी इन्होंने काटना है। गांव के लोगों को हर तरह के जानवर पालने का शौक़ होता है, जैसे इन्होंने भैंसें पाल रखी हैं, गाय हैं और बकरियों के जानवर भी हैं, घर में इन्होंने मुर्गियां भी पाल रखी हैं और कबूतर भी हैं। ये देखें जानवरों के साथ ही इधर परिंदे जो हैं ये आज़ादाना फिर रहे हैं। यहाँ पे देखें जी इनको शौक़ है, इन्होंने इतने प्यारे देसी मुर्गे पाल रखे हैं घर में। बकरी ने ये छोटा सा बच्चा दिया है, ये देखें इतना प्यारा सा बच्चा है, इस पर इन्होंने कलर भी लगाया हुआ है और ये कितना मासूम सा ठंड से बचने के लिए इधर छुप के बैठा हुआ है। यहाँ पे एक और खूबसूरत मेमना है जी, इसकी भी उम्र लगभग कोई 10 से 15 दिन होगी। ये देखें ये इस बकरी ने दिया है प्यारा सा बच्चा। रोहित रोटी तक नहीं खाना चाहते, असा रोटी हूँ तैयार थी पी है। देखो कितनी की मेहनत है इन काम वास्ते, और चीज एक अगर कि अपने शहरी लोग अगर आते खाते देखे जे दोबारा वाला उतू शहर दे रोटी भूल वे सन इंशाल्लाह। जे देखो सी जवान दी मेहनत देखो, ए हुन अंगारा ते ए रोटी आ गई है, यानी के कोई कुरेदा कोई उस समय कोई मसला कहना उसे ताकि अंगारा दे भात पकदी पे रोटी ओते भाव ले ना नीडी रे तो से नख वहे इन दे उत्ते भी अंगारा सी जे असि देख तमाशा। अच्छा ठीक है, मामू जी रोटी खाधी पेन वे मामू जी मिट्टी या रेत कुछ कुछ लगती क्या नी तारे सामने पक्षे तो देखो वाह जी वाह वाह जी वाह इसे रोहित रोटी पकती पीवे एक सडेन कोकी जे काफी मेहनत होंदी है ये सिर्फ कारीगरी है देखो ना अंगारा तो ते रोटी पक्षी जी। तो फ्रेंड्स काफ़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली हमारे पास जर्दे वाले चावल यानी यहाँ की लोकल ज़बान में मतंजन भी तैयार हो चुका है और उसी के साथ तंदूरी रोटी चिकन और आलू की रेसिपी भी तैयार हो गई है। ठंड भी काफ़ी है, शाम भी हो चुकी है, अभी जी खाना खाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।